कैरेक्टरलेस कह देते हैं कि अरे ये लड़की सिगरेट पी रही है, इसका मतलब वो बिगड़ी हुई है। ये कैरेक्टर जजिंग चीज़ तो गलत है, लेकिन हाँ जो गलत है सो गलत है, क्योंकि बात ये है ना कि आजकल लोगों को सिगरेट का बहाना चाहिए, एन्जाइटी हो रहा है सिगरेट, डिप्रेशन हो रहा है सिगरेट, सिगरेट से लोग वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बनने की कोशिश करते हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं तो हम फैशनेबल, अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में कि हाँ हम फैशनेबल हैं, बहुत ज़्यादा कूल हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं मानसा, आप मुझे बताएं कि लड़कियों के लिए प्रेगनेंसी के लिए सिगरेट कितना ज़्यादा खराब है? एक्चुअली डॉक्टर्स का मानना है कि सिगरेट जो है वो प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, आपको आगे चल के फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, और वो आपको इफेक्ट करेगा, फिर वही सेम प्रॉब्लम्स होंगी आपको कि आपको सरोगेसी ये सब का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब से बचना चाहते हैं, तो अगर आप अपने फ्यूचर को बचाना चाहते हैं, तो अभी अपने प्रेजेंट को सही करना होगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि जेनरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो चुका है, लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। बात अगर हम लड़के और लड़कियों की करें तो लड़कियां किसी चीज़ में लड़कों से आजकल कम नहीं है। जी हाँ, अगर हम पहनावे की बात करें, करियर की बात करें या फिर लाइफ की बात करें, तो लड़कियाँ हर चीज़ में लड़कों से आगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत ही अहम मुद्दा, अहम बातें हैं जो आज हम लेकर आए हैं, जिससे सुनने के बाद शायद कोई आश्चर्यचकित हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे सिगरेट पर। जी हाँ, आजकल लड़कों के साथ साथ इस सिगरेट का जो प्रचलन है वो लड़कियों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप बाहर देखेंगे तो लड़कियाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती हुई नज़र आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि सिगरेट पीने या स्मोकिंग करने या नशा करने से आप किसी के कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक सिगरेट आपके ज़िंदगी के 11 मिनट को कम कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये सिगरेट का डब्बा है और इसकी पैकिंग पर भी ये लिखा रहता है कि दिस इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, इसका मतलब ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसका सेवन हर रोज़ कर रहे हैं। अगर आप बाहर आएंगे तो लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इसका सेवन काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, लड़के करते हैं तो लोग कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं कि वो स्टाइल है, फैशन है, लेकिन अगर यही चीज़ लड़कियां करती हैं तो शायद उन्हें कैरेक्टर लेस माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज इसी पर ओपिनियन लेने के लिए मेरे पास कुछ लड़कियाँ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्मोकिंग लड़कियों के लिए सही है या नहीं, या फिर अगर कोई लड़की स्मोक करती हुई नज़र आती है या फिर करती है तो उसको किस प्रकार मार्केट में देखा जाता है, लोग कैसे जज करते हैं। तो आइए फिलहाल चलेंगे हम, और हमारे साथ दो लड़कियां हैं, एक खुशी है और एक मीमांसा है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये भी लड़कियां हैं और मैं भी एक लड़की हूं, तो हम अपना ओपिनियन देंगे। मीमांसा बताइए, सिगरेट को किस नज़रिए से देखती हैं? सिगरेट को नज़रिए से देखने की बात नहीं है, बात है यहाँ पर लड़के और लड़कियों को जब सिगरेट पीते हैं तो उनको कैसे लोग नज़रिए से देखते, बात वो है। अगर लड़का पी रहा है तो वो नॉर्मल है, पर अगर लड़की रोड पे खड़े होकर पी रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। जितने लोग जाएंगे उसको क्रॉस करेंगे उस रास्ते में, सब लड़कियों को घूरेंगे। कल की ही बात ले ले तो कल मैंने गांधी मैदान में दो लड़कियों को सिगरेट पीते हुए देखा, सब लोग उन लोगों को देखते हुए जा रहे थे और सब लोग मज़े भी ले रहे थे, हंस रहे थे। यहाँ तक कि अगर आप सिगरेट जिनसे खरीद रहे हैं, अगर आप उनका भी मतलब अगर आप बोलेगा कि दो सिगरेट दीजिए या एक सिगरेट दीजिए, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन होता है इस टाइप का, हाँ सिगरेट और लड़की, हाँ मतलब शॉकिंग रिएक्शन आता है कि लड़कियों के सिगरेट मांग रही है, और उसके बाद फिर एक अजीब सा मुंह बनाकर होता है ना, लाइक एक सरकाज़म वाला मुंह बना, लड़की है और लड़की होके इसको सिगरेट चाहिए, मतलब जज कर, हाँ सरकाज़म वाला मुंह बनाकर पूछेंगे कि कौन सा वाला, एकदम गुस्से में कि कौन सा वाला, तो
वो चीज़ दिखने में मिलता है कि लड़कियों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है इस मैटर में। तो मानसा, एक सवाल और रहेगा मेरा कि अगर सपोज कोई लड़की है और वो स्मोकिंग कर रही है, तो जैसा कि आपने बताया कि लोग घूरते चलते हैं अगर कोई लड़की दिख जाए, ओह गॉड सिगरेट पी रही है, आप दुकान पर चली जाओ सिगरेट चाहिए, मतलब अजीब सा रिएक्शन होता है कि लड़की होकर सिगरेट मांग रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये हेल्थ के लिए खराब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों को जज कर दिया जाता है कि सिगरेट मांग रही है, इट मीन से इज कैरेक्टरलेस। वही चीज़ है ना कि अगर लड़का लोग पी रहा है, लड़के पी रहे हैं, तो वो कैरेक्टरलेस नहीं है, पर अगर लड़कियां पी रही हैं तो वो कैरेक्टरलेस है। अगर लड़कों की चॉइस हो सकती है सिगरेट पीने की, तो लड़कियों की भी चॉइस हो सकती है सिगरेट पीने की। हर लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई जज करने वाला कोई नहीं होता कि वो लड़का है तो वो पी सकता है, वो लड़की है तो वो पी सकती है। ये इंडिविजुअली चॉइस है, अगर आपका मन है पीने का आप पीजिए, अगर आप जानते हैं इससे आपको क्या क्या हार्मफुल हो रहा है, आपके लिए कितना ये हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, ये सब जानते हुए भी आप पी रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस है। आप सामने वाला या कोई दूसरा इंसान, ये बोलने के लिए कोई नहीं होता कि आप नहीं पी सकते, या फिर जज करने के लिए कोई हो सकता है। तो अगर सपोज सिगरेट, मतलब आप मानती हैं ना कि वो हेल्थ के लिए खराब है? हाँ, सिगरेट हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है भी, और इस पर साफ साफ लिखा भी रहता है कि ये नहीं पीना चाहिए, और इससे काफ़ी तरह की बीमारियाँ भी होती हैं। COPD नाम की एक बीमारी होती है, वो भी इस सिगरेट से होती है। और मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि 7,357 कंपाउंड्स आप लेते हैं जब आप एक सिगरेट पीते हैं, तो हाँ ये कंपाउंड्स आपके अंदर जा रहा है अगर आप सिगरेट पी रहे हैं कंटिन्यूसली रेगुलरली, तो ये कंपाउंड्स, ये 7,357 रिपोर्ट है कि कंपाउंड आपके अंदर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए तो खराब है। हाँ, ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। जज कर दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, जज कर दिया जाता है, वो तो गलत है ही, पर ये सिगरेट पीना भी गलत है, ना ही सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी गलत है। अगर लड़कों को भी उस नजर से देखा जाए जैसे लड़कियों को देखा जाए, तो क्या पता जैसे लड़की ये सोच के नहीं पी रही है कि नहीं लोग देखेंगे, नहीं पीऊंगी। लड़कियां ज्यादा खुले जगहों में पीना पसंद नहीं करती है, कोई मुझे देख लेगा। तो अगर जिस तरह से लड़कियां से डर रही हैं, शायद इस वजह से बंद भी कर रही हैं स्मोकिंग करना, तो क्या पता अगर लड़कों को भी इसी नज़र से देखा जाए तो वो भी बंद कर दे, तो ये स्मोकिंग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। अब मैं खुशी के पास आना चाहूँगी। खुशी, लड़कियों में भी सिगरेट का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सपोज अगर आप मार्केट जाएंगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आजकल लड़कियाँ भी ऐसा खुलेआम धुआं उड़ाती हुई नज़र आ रही हैं, बेफिक्र होकर उड़ाती रहती हैं। क्या ओपिनियन है आपका? लोग कैरेक्टरलेस कह देते हैं कि अरे ये लड़की सिगरेट पी रही है, इसका मतलब वो बिगड़ी हुई है। ये कैरेक्टर जजिंग चीज़ तो गलत है, लेकिन हाँ जो गलत है सो गलत है, क्योंकि बात ये है ना कि आजकल लोगों को सिगरेट का बहाना चाहिए, एन्जाइटी हो रहा है सिगरेट, डिप्रेशन हो रहा है सिगरेट, सिगरेट से लोग वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब सिगरेट पी रहे हैं तो हम फैशनेबल, अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में कि हाँ हम फैशनेबल हैं, बहुत ज़्यादा कूल हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। व्यूअर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ता है, आपके हेल्थ पे पड़ता है। और सिगरेट का बहुत सारा डिमेरिट है, इसका कोई मेरिट नहीं है, मेरिट हो तो कुछ कहा भी जाए, पर इसका सिर्फ डिमेरिट है। इससे आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है, इससे सिर्फ घाटा है। इससे आपके पब्लिक पर्सनल लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, इवन कि जो सिगरेट पी रहा हो वही नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा जो सिगरेट का स्मोक सूंघता है उसको ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब सिगरेट के स्मेल से ज़्यादा ये दिल पे या फिर ये फेफड़े पे असर पड़ता है, तो ये चीज़ गलत है। और अगर जहाँ तक लड़के और लड़की के कंपैरिजन की बात आती है, तो सिगरेट एक है और दोनों के लिए पीना ये चीज़ गलत है। हाँ, लड़के को अलग नज़रिए से देखा जाता है और लड़की को अलग नज़रिए से देखा जाता है सिगरेट के लिए, पर सिगरेट पीना ही गलत है, चाहे वो लड़का पिए चाहे वो लड़की पिए। ना लड़के को खड़े होकर पीना चाहिए, ना लड़की को खड़े होकर पीना चाहिए, इस बात का राइट किसी को नहीं, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, आपने कभी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक छोटी सी चीज़ है ना, ये एक छोटी सी चीज़ है जो किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी को ले सकती है। कहीं ना कहीं ये
सबके हेल्थ के लिए खराब है। आप देख रही है इतनी छोटी सी चीज है, और मैं आपको बता दूं कि एक सिगरेट आपके जिंदगी के कुल 11 मिनट्स को खत्म करता है, तो ये लाइफ के लिए बहुत खराब चीज है। लेकिन खुशी, आपने कभी मार्केट में देखा है क्या कि कोई लड़की है और आराम से सिगरेट पीती हुई नजर आ रही है? यही नहीं, मतलब ज्यादातर बोरिंग रोड जैसे जगहों पे बहुत, मतलब हर वो गुमटी या किसी भी जगह पे लड़की आराम से जाकर सिगरेट खरीद रही है, पी रही है, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है। और लोग जाते जाते सिर्फ देख नहीं रहे, इवन कि घूम घूम कर भी देख रहे हैं कि हाँ लड़की सिगरेट पी रही है या ऐसा है कुछ। अब लड़की बाहर जा रही है, वो क्या कर रही है उसके परिवार को कुछ नहीं पता। पर हाँ, ये चीज़ गलत है और सिगरेट पीना गलत है, और लड़की हो लड़का हो दोनों के लिए बराबर ही गलत है, ठीक है। आज के लिए सैनिटाइजेशन इज अ बिग थिंग, ठीक है। जिस तरह से हम सिगरेट में पैसा व्यस्त करते हैं, अगर हम वो अपने सैनिटाइजेशन में या फिर अपने दूसरी चीजों में, पर्सनल चीजों में अगर उसी पैसे को यूज करें तो उसका बहुत मुनाफा हो सकता है। जिस तरह से हम लोग सिगरेट का नाम दे करके उसको पैसा बर्बाद करते हैं, उस चीज से बच सकते हैं। आजकल लड़कियों को पैड्स वगैरह के लिए प्रॉब्लम होता है, अर्बन रूरल एरियाज में प्रॉब्लम होता है। ये जो हस्बैंड होते हैं वो ये सब चीज कर रहे हैं, बल्कि अपनी बीवी को वो सैनिटाइजेशन प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों में उनको ज़्यादा घुल मिल कर रहना है, इन सब चीज़ों को करना है इस्तेमाल। तो वही चीज़ अगर वो ज़रूरी नीड्स में करें तो वो ज़्यादा फैसिलिटेबल होगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी कमेंट करता सुना है कि कोई लड़की सिगरेट पी रही है और ऐसा सामने से लोग आते हैं और कमेंट्स करके निकल जाते हैं, सुना है कभी? हाँ हाँ, बहुत बार सुना है। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं, वीडियोज़ बनाने लगते हैं कि लड़की सिगरेट पी रही है। लड़के लोग पी रहे हैं तब वीडियोज़ नहीं बन रहा, पर लड़कियाँ पी रही हैं तो वीडियोज़ बन रहा है। आखिर गलत तो सिगरेट पीना है, लड़का पी रहा है लड़की पी रहा है वो गलत नहीं है, सिगरेट पीना गलत है। बिल्कुल, तो उस पर आपको देखना चाहिए कि कमेंट तो कर ही रहे हैं, और कुछ लड़कियां बोल्ड होती हैं तो वो जवाब भी दे देती हैं, जवाब दे देती हैं कि शांत से रह जा सकती है। एक ही जगह एक लड़की दो लड़की खड़ी है शांति से, और एक ही जगह दो लड़की तीन लड़की सिगरेट पी रही हो, तो खड़ी लड़की को कोई कुछ नहीं कहेगा, शायद जो सिगरेट पी रही हो उस पर कमेंट करके लोग पास करेंगे। तो ये डिफरेंस है कि एक नॉर्मल लड़की और एक थोड़ा अबनॉर्मल की तरह अगर वो कर रही है, ऐसे रोड पर इस तरह से कर रही है, तो उस पर बोला जाएगा। ये चीज़ है, चाहे वो किसी यूथ भी बोल सकता है, वो ओल्ड पर्सन भी बोल सकता है, वो उसको उसी नजरिए से देखा जाए, मतलब सारे लोग जज कर देते हैं, है ना? जजिंग नेचर लड़कियों को लेकर काफी ज्यादा होता है, हर चीज में आजकल लोग जज कर देते हैं कि अगर लड़की कर रही है तो वो खराब है, और अगर वो लड़का कर रहा है तो वो सही है। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक ये सवाल होगा कि लड़कियां आगे बढ़ रही है, ठीक है, हर चीज में आगे बढ़ रही है, जनरेशन हाईफाई हो रहा है, पढ़ाई की बात की जाए या फिर किसी भी सेक्टर की बात की जाए, आप आजकल तो लड़कियां फ्लाइट भी उड़ा रही है, प्लेन भी उड़ा रही है, लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है, लेकिन एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि तो वैसी लड़कियां जो घर से दूर रहती हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हैं, अकेले रहती हैं, मैं देखती हूँ कि उन लड़कियों में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई देखने वाली नहीं होती है। तो ऐसे लड़कियाँ जो है पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं एक आप चीट कह लो, आई कांट जज एनीवन, मैं किसी को जज नहीं कर सकती हूँ, बट यू कैन से एक चीट कह सकते हैं ना, तो वो कर रही हैं। तो ऐसे लड़कियों को आप लोग क्या बोलना चाहेंगे जिनके पेरेंट्स गांव में रहकर उनको पढ़ा रहे हैं और शहर में रख रहे हैं, पढ़ाई के लिए पैसा भेज रहे हैं, बट वैसी लड़कियाँ, तो वैसी लड़कियों को क्या बोलेंगे आप लोग? सबसे पहली बात तो उन्हें, उनके पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया, उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितनी ही लड़कियां जिन्हें पढ़ने के लिए भी नहीं मिल रहा, और पढ़ने के लिए बाहर भेजना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है, आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम दे रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे, तो आपको उस ट्रस्ट को मेनटेन करके रखना चाहिए। ये स्ट्रेस के नाम पर या कूल बनने के नाम पर या फिर मेरी फ्रेंड पीती है हम भी पिए हैं, ये हाँ हम भी पियेंगे, तो ये सब के नाम पर पी कर आप अपने ही पेरेंट्स को चीट करें, जो आप पे बहुत भरोसा करके बहुत लोगों के अगेंस्ट जाके, शायद उनकी फैमिली, जो फैमिली में आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, पर क्या पता आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं कर रहे, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही, फिर भी आपके आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे सबसे लड़कर आपको बाहर भेज रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे, इनफैक्ट आपको पैसे भेज रहे हैं, मंथली पैसे भेज रहे हैं कि आप अपने लाइफ अच्छे से जी पाएँ, अच्छे से जो भी आपके नीड्स हैं आप उसको पूरा कर पाएँ, और आप उसी पैसे को गलत यूज़ करके सिगरेट के पैसों में वेस्ट कर रहे, तो आप
उससे ज़्यादा अपने पेरेंट्स को चीट कर देंगे और कुछ नहीं। और इससे आप सक्सेसफुल या फिर कोई ऊंचाइयों को तो नहीं छू लीजिए। अगर आप जेनुअनली अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहती हैं, उनके इस मेहनत को और उनके सपोर्ट को जेनुअनली दिखाना चाहती हैं, वैल्यू करना चाहती हैं, रिस्पेक्ट करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपके करियर पर ध्यान देना, तो सबसे पहले आपको फोकस होना चाहिए। अगर आप फोकस नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो आप कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। अगर आपको किसी के बोलने पर या फिर किसी के बहकावे में अगर आप आके कि नहीं नहीं ट्राई करके देखो मज़ा आएगा, अगर आप किसी के बहकावे में आके पी रही हैं, तो वो आपको ही इफेक्ट कर रहा है, आपके पेरेंट्स को इफेक्ट कर रहा है। कल को जाके आपके पेरेंट्स को ये चीज़ पता चलेगा, उनको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा और कितना ज़्यादा उनको इफेक्ट करेगा ये चीज़ कि हम अपनी बेटी पे इतना भरोसा करके उसको बाहर भेजे पढ़ने के लिए, इतना मेहनत से उसको पैसा भेज रहे और वो इस पैसे का गलत यूज़ करिए, गलत चीज़ों में इस्तेमाल करिए, जो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, उसके ही हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। तो लड़कियाँ कहीं ना कहीं कूल बनने के लिए, स्टाइलिस्ट बनने के लिए, शहर के लड़कियों से मैचअप करने के लिए खुद को बिगाड़ रही हैं, है ना, ये सिगरेट वगैरह पीकर बिगाड़ रही हैं। और मतलब होता है ना कि संगत का असर, तो वो संगत का असर भी बहुत पड़ता है, देख कर 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 कि लोग कर रहे हैं, चलो क्यों ना हम भी एक बार ही क्यों, और वो एक बार अनेक हो जाता है और कर लेते हैं ना, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और कर 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 वो इस हद से आदत बन जाता है, क्योंकि इस चीज़ में मिलावट ही आदत वाली चीज़ की होती है कि आप उसके बाद उससे आपको निकलना मुश्किल हो जाए और आपके पास फिर बहाना आने लगेगा कि ब्रेकअप हो गया चलो सिगरेट पीते हैं, लड़ाई हो गई, तो नया ट्रेंड है ना, ब्रेकअप हो गया चलो सिगरेट पीते हैं, और ये लड़ाई हो गई, घर में प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं है वो नहीं है तो सिगरेट पीते हैं। मतलब आप जाकर उसको गन्ने का जूस पी लेंगे 10 का तो वो यूटिलाइज नहीं होगा, लेकिन आप अगर 10 का या 15 का सिगरेट पियेंगे तो वो बहुत ही काम आएगा। तो अब वो दिखाने के लिए, अब दिखावे की दुनिया है तो लोग दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। तो आपने सुना कि आज हमने सिगरेट के टॉपिक पर चर्चा की। एक्चुअली वी आर नॉट जजिंग एनीवन, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, सबकी खुद की लाइफ है, कोई कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सिगरेट जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। अगर आप मार्केट आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी इसका सेवन कर रही हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इस टॉपिक पर बात करें। मैं आपको ये भी बता दूँ कि हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, सबकी खुद की अपनी ज़िंदगी है, कोई कुछ भी कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जानने की ज़रूरत है कि सिगरेट का जो डब्बा होता है, अगर आप उसको खरीदते हैं दुकान से, तो जो बेचने वाले होते हैं, जो कंपनी उसको बना रही होती है, वो भी लिखते हैं कि दिस इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं और फिर भी लेते हैं। मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं एक सिगरेट शायद 20 या 30 या 10 कुछ ऐसे ही में आते होंगे, है ना, कुछ ऐसे में आते होंगे। सपोज़ अगर एक दिन में एक इंसान 5 बार भी पी रहा है तो दिन का 100 रुपये तो ऐसे ही गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है ये कि आपके पैसे भी जा रहे हैं, आपके हेल्थ भी जा रहे हैं और आप खुद भी जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि सिगरेट का सेवन करने से इंसान का बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आप लोग और क्या बोलना चाहेंगे लड़कियों को? लड़कियों को यही बोलना चाहिए कि आजकल लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट पीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो सबसे पहले आप खुद के लिए कीजिए, खुद के लिए कीजिए इन द सेंस कि आप अपने लाइफ पे फोकस करिए, खुद पर फोकस करिए और जितना हो सके आप अपने करियर पर फोकस करिए। क्योंकि अगर आपका करियर अच्छा होगा ना, तो आपके पेरेंट्स का फ्यूचर अच्छा होगा, आप उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाइएगा। जो स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लिए, वो स्ट्रगल पूरा हो पाएगा कि हाँ जो उन्होंने मेहनत किया वो हो पाया। तो अगर लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रही, तो इस चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ पे वो आपका चॉइस, आप बढ़े पर वो आपके ही हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। आप खुद पे फोकस करिए और ये स्ट्रेस के नाम पे, ब्रेकअप के नाम पे सिगरेट पीने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल को सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। जो आपके साथ है वो आपके पेरेंट्स है, उसके अलावा और आपके साथ कोई नहीं रहेगा एंड तक। तो उनके लिए कुछ करिए और उनके लिए अपने करियर पर ध्यान दीजिए। खुशी, लास्ट टाइम जाते जाते लड़कियों को क्या बोलेंगी? आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि यही कहेंगे कि अगर देखकर सीखना है तो कुछ अच्छा क्यों नहीं, बुरा ही क्यों हर बार, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फैशन आप कुछ अच्छा कर कर दिखा सकती हैं, शो ऑफ कुछ अच्छा कर कर, उस चीज़ का शो ऑफ कीजिए जो आपका है, उस चीज़ का ना कीजिए जो गलत है।
और ये चीज़ है कि आप अगर कर रही हैं तो फैमिली पे, आप पे, सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके फ्यूचर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो प्रेजेंट के लिए आप अपना फ्यूचर मत ख़राब कीजिए। बिल्कुल। तो आपने देखा कि मीमांसा और खुशी है मेरे साथ, और इन दोनों ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये एक छोटी सी डिब्बी, ये एक छोटा सा सिगरेट आपके पूरे ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में ये मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन ना करें, ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को हेल बना सकती है, जस्ट लाइक अ हेल, हेल बना सकती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हम जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को जज करें, है ना, हम किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाए, और ना ही हमने उठाया है, हमने बस अपनी अपनी राय दी है कि इस पर हमारा क्या ओपिनियन है, सिगरेट हमारे लिए, आई मीन मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए कितना अच्छा है, कितना ख़राब है। और कहीं ना कहीं एक मैं आपको बता दूँ कि लड़कियों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल लड़कियों में भी सिगरेट का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्मोकिंग का ज़रिया कम बनाइए। टेंशन, डिप्रेशन हर किसी की ज़िंदगी में होती है, ब्रेकअप, पैचअप हर किसी की ज़िंदगी में होती है, कोई किसी के साथ रहने के लिए नहीं आता, लेकिन डिप्रेशन, ब्रेकअप, पैचअप, टेंशन, रिश्ता, ये सारी चीज़ आपको सिगरेट नहीं बचा सकती है, नशा नहीं बचा सकती है। नशा से सिर्फ आप खुद को बेकार कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए मैं सबसे बड़ा सिगरेट का डिमेरिट ये बता दूं कि लड़कियों के प्रेगनेंसी लाइफ को भी ये सिगरेट जो है ख़राब कर सकती है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, अभी आप यंग हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप इसको आसानी से ले रहे हैं और इससे कोई असर नहीं हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शादी के बाद आपके प्रेगनेंसी लाइफ को भी ये सिगरेट जो है वो बर्बाद कर सकती है। क्या मैं मानसा, आप मुझे बताएं कि लड़कियों के लिए प्रेगनेंसी के लिए सिगरेट कितना ज़्यादा खराब है? एक्चुअली डॉक्टर्स का मानना है कि सिगरेट जो है वो प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, आपको आगे चल के फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, और वो आपको इफेक्ट करेगा, फिर वही सेम प्रॉब्लम्स होंगी आपको कि आपको सरोगेसी ये सब का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब से बचना चाहते हैं, तो अगर आप अपने फ्यूचर को बचाना चाहते हैं, तो अभी अपने प्रेजेंट को सही करना होगा। तो देखा आपने, मीमांसा ने बताया कि कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए एक सिगरेट जो है काफ़ी घातक है, क्योंकि शादी के बाद प्रेगनेंसी के वक्त जो सिगरेट है, अगर आप अभी इसका सेवन करते हैं तो शादी के बाद प्रेगनेंसी के वक्त आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि अभी मीमांसा ने बताया कि डॉक्टर बताते हैं कि सिगरेट पीने से जो लड़कियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बेबी कंसीव नहीं कर पाती हैं, प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो सरोगेसी या फिर आपको किसी दूसरे चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इतनी सारी परेशानियों का सामना करने से तो अच्छा है कि आप अभी से इस पर रोक लगाएं, थोड़ी सी लगाम लगाएं और इसका सेवन करने से बचें। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम मुद्दों के साथ और ऐसे ही तमाम अगले टॉपिक के साथ हम फिर खुशी और मीमांसा के साथ आपके साथ में ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें NBC 24।